वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं एक न्यू टॉपिक लेके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वजाइनल ड्राइनेस, यानी कि एक दफा जब आपकी महावारी खुश्क हो जाती है, मेनोपॉज आ जाता है, तो उसके बाद ब्लीडिंग क्यों होती है, उसकी क्या वजह है। क्वेश्चंस भी थे कि क्या वो कैंसर तो नहीं है, तो वो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। उसी के साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट नंबर स्क्रीन पे चल रहा। तो जैसे कि आपको पता है कि जो महावारी बंद होने की एज होती है वो है 45 to 55 के दरमियान। उससे पहले अगर आपकी महावारी बंद हो जाती है, कुछ हार्मोन्स टेस्ट किए जाते हैं, फिर सजेस्ट किया जाता है फॉलिक एसिड हार्मोन, और अगर वो 25 तक है, 25 से लेकर मतलब प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हुआ है आपका, तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ जनरल बात, उसको प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं और मेनोपॉज की रेट ही है। लेकिन आजकल 40 से अब लोग मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। मेनोपॉज उसको कहते हैं कि कॉन्टिन्यूसली 1 ईयर आपको ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो उसको हम डिक्लेयर करेंगे कि ये मेनोपॉज है, यानी आपकी महावारी अब खत्म हो गई है। बाद लोगों को खत्म होने वाली होती है इस एज में, तो ऐसा होता है कि 6-6 महीने आपको ऑन एंड ऑफ स्पॉटिंग होती रहती है, ब्लीडिंग होती रहती है, या 6-7 महीने बंद रहेगी फिर होगी, 3-4 महीने बंद रहेगी फिर होगी, तो वो भी बंद हो रही होती है एंड में जा रही होती है, इसमें घबराने वाली बात नहीं होती। अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं है, मुझे तो ब्लीडिंग बंद हो गई थी, मेरी तो महावारी बंद हो गई 6-7 महीने हो गए, तो मुझे क्यों ब्लीडिंग हो रही है, तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन हर ब्लीडिंग कैंसर नहीं होती, लेकिन अगर आपकी महावारी बंद हुए में 6-7 साल गुजर चुके हैं, उसके बाद अगर आपको ब्लीडिंग है, तो ये अलार्मिंग साइन है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी भी रीजन में हो, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जरूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट कराना चाहिए, पर्सपेक्टिव अपना एग्जामिनेशन कराना चाहिए और डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए बहुत सी चीजें। 50% तो हमें हिस्ट्री से पता चल जाता है। मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग की क्या रीजन है, सबसे पहले आ जाता है जी कि आपकी जो वजाइना ड्राई होने की क्या रीजन है, क्योंकि देखिए ये स्टेज है कि आपके हॉर्मोन्स इम्बेलेंस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एंड पे आ जाते हैं, तो आपकी सिक्रीशंस खत्म हो जाती है, जो वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली हो रहा होता है फीमेल्स में वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वजाइना ड्राई हो जाती है हार्मोन्स के बिल्कुल एंड होने पे। ये रीजन इस तरह के पेशेंट्स ज्यादा इंफेक्शन की रीजन बनती है, क्योंकि देखिए जब सिक्रीशंस आती है, नीचे से कोई भी इंफेक्शन अंदर जाता है तो सिक्रीशंस के थ्रू तो बाहर आ जाता है, तो उस तरह से पेशेंट इन्फेक्टेड नहीं होता। लेकिन जब वजाइना ड्राई है, सिक्रीशंस नहीं है, तो ऊपर यूट्रस से इन्फेक्शन को जाते हुए एक सेकेंड भी नहीं लगता, तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, पॉलिप हो सकता है, सर्वाइकल पॉलिप हो सकता है, यूट्राइन पॉलिप हो सकता है, यूट्रिन पॉलिप हो सकता है, किसी भी किस्म, ये हम अल्ट्रासाउंड पे पिक कर सकते हैं, बाकी FSH फॉलिक स्टिम्युलेटिंग हार्मोन करके भी चेक कर सकते हैं कि आप मेनोपॉज के स्टेज पे हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले तो आपने अपनी डिटेल हिस्ट्री दे दी है, बाद लोग 6 महीने या 7-8 महीने हुए होते हैं उनको फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो कहते हैं हमें तो इतना अर्सा हो गया। सबसे पहले हिस्ट्री मैटर करती है, कॉन्टिन्यूसली 1 ईयर अगर आपकी स्टॉप है तो देन इट इज कॉल्ड मेनोपॉज। इसी तरीके से अल्सर हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, PID हो सकता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैंसर आ जाता है। तो आपने अपनी वैसे भी हमेशा डिटेल चेकअप 1 साल में या विदिन 6 मंथ या 1-2 साल में, जो लोग नहीं आ सकते प्रॉपर, अपना हाउस वाइफ होती है, तो उनको 1 से 2 साल में अपना जरूर डिटेल एग्जामिनेशन डॉक्टर से कंसल्ट करके कराना चाहिए, हार्मोन्स, अपना डिटेल स्कैन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आप ना हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए आपको, आपको अपने बारे में पूरा ख्याल रखना चाहिए, बोन्स कमजोर तो नहीं हो रही, मेरे पास हो गया तो सारे साइन सिम्टम्स इसके रिजॉल्व हुए हैं या नहीं हुए। इसी तरीके से कहां से पता चलता है कि कैंसरस चेंजेस हैं, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ना वो हम स्कैन पे रूल आउट कर सकते हैं, अगर वो 5 mm से ज्यादा है तो इट्स डेंजरस, अगर वो 5 और 4 के दरमियान है तो मतलब मेनोपॉज की थिकनेस इतनी होती है कि आप मेनोपॉज से गुजर रहे हैं। फिर आप कपर्स के स्पेक्युलम एग्जामिनेशन करके भी आपकी लोकल अल्सर, लोकल कॉजेज भी रूल आउट की जाती है, लेकिन अगर आपकी 7 और 8 mm आ रही है तो ये खतरे के बायस है, इसकी फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी करनी पड़ती है, फिर वो बायोप्सी लैब में भेज के टेस्ट की जाती है कि इसमें कैंसर चेंजेस तो नहीं है, लेकिन अगर कैंसर चेंजेस है तो उसमें फिर हिस्टेरेक्टमी यानी यूट्रस की वो भी लाइनिंग में ही महदूद है, लंग्स, ब्रेस्ट आगे आपके किसी और ऑर्गन में फैली नहीं है, तो यूट्रस को रिमूव किया जा सकता है और बाद में फिर उसको हिस्टोपैथी भी भेजा जाता है कि किस लेवल का कैंसर था। तो हर ब्लीडिंग डेंजर का बायस नहीं होती, लेकिन जिस तरह की मैंने आपको बताया 1 साल रह के आपको ब्लीडिंग हो रही है और 6-7 साल मेरे पास हो गया तो ये अलार्मिंग है, और वैसे भी अगर आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग कुछ भी हो तो आपने जरूर घर में खामोश नहीं बैठना, यही वजह है इस तरह की चीजें हमें एंड स्टेज पे पता चलती है, शर्म के मारे फीमेल्स नहीं डिस्कस कर पाती, आजकल तो इतना एडवांस हो गया है, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन रह सकते हैं, अगर आप दूर हैं, अगर आप अच्छी डॉक्टर देख रहे हैं तो वो
बाहर कुल में भी है, पाकिस्तान में आप कहीं से भी ऑनलाइन इतनी फैसिलिटी से तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। होप सो आपको आइडिया हुआ होगा कि मेनोपॉज की ब्लीडिंग क्या है, वजाइनल ड्राइनेस क्या है, उसकी कॉजेस क्या है, उसको कैसे रूल आउट किया जा सकता है और कैंसर किस स्टेज पे आता है। इसी के साथ हमें जा सकते हैं, कोई क्वेश्चन क्वेरीज हुई तो कॉमेंट सेक्शन में और फेसबुक पे इनबॉक्स कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, फिर हाजिर होंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।